गर्मियों की दोपहरी में ठंडी बारिश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मौसम ने ली है करवट। मई के महीने में जहाँ आमतौर पर गर्मी से बेहाल होते हैं लोग, वहीं अब है बारिश और ओले की बौछार। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में न केवल बारिश हुई है बल्कि कुछ स्थान पर तो ओले भी पड़े हैं। सबसे ज्यादा बारिश बड़वानी में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दतिया में जहां 43.2 डिग्री तापमान ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया, वहीं शिवनी और नरसिंहपुर में बारिश और ठंडी हवाओं ने दी कुछ राहत। मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफी जगहों में बारिश दर्ज किया है और कुछ कुछ इलाकों में हेलस्टॉर्म के साथ गस्टी विंड भी दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ है वेस्ट एमपी में, बड़वानी में 23 मिलीमीटर हुआ है और ईस्टर्न पी में भी आइसोलेटेड रेनफॉल हुआ। सबसे ज्यादा हुआ शिवनी डिस्ट्रिक्ट में, 12.6 मिलीमीटर हुआ। और टेम्परेचर देखा गया तो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया है दतिया में 43.2 डिग्री सेल्सियस और ईस्ट एमपी में नरसिंहपुर में 42 डिग्री दर्ज किया है। इस अजीब मौसम का कारण है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। यही नहीं, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी मौसम में आई है ये उथल पुथल। राजगढ़, शाजापुर, भोपाल सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। धार, खरगोन और रतलाम में तो आंधी तूफान की भी आशंका है। इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है विदर्भ में और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल की साइड में अरेबियन सी में है। यहाँ से एक ट्रफ लाइन एक्चुअली सेंट्रल इंडिया की तरफ अभी चालू है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रफ अभी भी ये रीजन में परसिस्टिंग है। तो ये इसके हिसाब से देखा गया तो अभी भी सेंट्रल इंडिया के कुछ कुछ जगहों में मतलब नमी मिल रही है और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने वाले एक दो दिन में भी कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, इसके हिसाब से हमने जो चेतावनी और फोरकास्ट ऐसे जारी किया है तो आप आज के दिन देख सकते हैं ज़्यादातर एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट एमपी में हो रही है। स्पेशली खंडवा, खरगोन, थार, झाबुआ, रतलाम ये सब रीजन में हमने थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड का चेतावनी दिया है 50-60 किलोमीटर पर आवर। और सेंट्रल और नॉर्दर्न पोर्शन में देखा गया तो पीला रंग में दिया है, वहाँ पे थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 40-50 किलोमीटर पर आवर का विंड्स का चांसेस है। और साउथ ईस्ट एमपी का भी फॉरेस्ट रीजन जैसे छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, पांडुना, बालाघाट ये रीजन में भी अभी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेल का भी चांसेस है। और नेक्स्ट डे में देखा गया तो सिस्टम और थोड़ा कमजोर हो रही है, फिर भी एक्टिविटी सेंट्रल और साउथ ईस्ट एमपी के काफ़ी जगहों में चालू है और उसके साथ मतलब थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड 30-40 किलोमीटर पर आवर का विंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 16 तारीख को ये सिस्टम और कमजोर हो रहे हैं, सिर्फ साउथ ईस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म के रूप में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये ऑलमोस्ट मतलब चला जाता है। तो जैसे सिस्टम जाने के बाद देखा गया तो टेम्परेचर नॉर्थर्न एमपी में बढ़ने का चांसेस है। ऑलरेडी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 42-43 रेंज में चल रहे हैं। जैसे ये वेदर चला जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। और 18 को भी हमने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली ग्वालियर चंबल का मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में हमने येलो कलर में हीट वेव का चेतावनी दिया है। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश के मौसम की ताज़ा स्थिति। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखें और बने रहें सुरक्षित और सतर्क। लोकल 18 के लिए भोपाल से ऋतिका तिवारी की रिपोर्ट।